हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आपके लिए केसरिया ठंडाई की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही बढ़िया ठंडाई बनती है ये, एक बार ट्राई करने जैसी है। और अगर आपने हमारी रेसिपी फॉलो की तो 100% आपकी ठंडाई परफेक्ट बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। फ्रेंड्स, इस केसरिया ठंडाई की रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं ना, तब ऐसी नई रेसिपीज आपके लिए लाने का हमारा हौसला बढ़ता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस ऐसे ही मिलते रहें। सबसे पहले एक बाउल में हम यहाँ पर 1/4 कप बादाम ऐड करेंगे। अगर आप इनको नंग में गिनते हैं तो ये 30 नंग है और 1/4 कप हम इसमें काजू ऐड करेंगे और काजू 25 नंग है। साथ में ही हम यहाँ पर फ्रेंड्स 3 टेबलस्पून सौंफ ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून भर के हमें सौंफ लेनी है इस तरह से। अगर आपके पास टेबलस्पून की मेजरमेंट नहीं है तो 1 टेबलस्पून इज इक्वल टू 3 टीस्पून होता है। ये वाले जो चम्मच होते हैं वो टीस्पून होते हैं, तो आपको यहाँ पर 9 चम्मच लेने हैं सौंफ के। और 2.5 चम्मच यहाँ पर मैं ये जीरा ऐड कर रही हूँ, 2.5 टेबलस्पून। और अगर आप नॉर्मल चम्मच से मेज़र कर रहे हैं तो आपको 8 चम्मच जीरा लेना है। 3 टेबलस्पून मैं यहाँ पर खसखस ऐड कर रही हूँ, यानी कि पॉपी सीड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून मैं यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम थोड़ा सा गुनगुना पानी ऐड कर देंगे ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। गुनगुना पानी ऐड करने से 4 घंटे में ही ये अच्छे से भीग के सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, 4 घंटे हो गए हैं और ये अच्छे से देखिए भीग चुका है और ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने केसर भी भिगो के रखी थी, 1/2 घंटा पहले ही इसको भिगो के रखा है। 1/2 टीस्पून जितनी मैंने भिगोई है ये। और इसके बाद हम एक पतीले में शुगर ऐड करेंगे। 4 कप मैं यहाँ पर शुगर ऐड कर रही हूँ, वजन में देखेंगे तो 1 kg है ये। और इसमें हम 6 कप पानी ऐड करेंगे। ठंडाई का मसाला ऐड करने के बाद शुगर सिरप को ज़्यादा देर तक उबालना होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 कप जितना पानी ऐड किया है। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे हम चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। जब तक हमारी चाशनी रेडी हो रही है तब तक हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। मैं पानी के साथ ही इसको ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी हम स्मूथ पेस्ट तैयार कर पाएं। तो ये देखिए, मैंने इसकी बिल्कुल स्मूथ पेस्ट रेडी कर ली है। मैंने थोड़ा सा पानी और भी ऐड किया था और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो हमारी चाशनी है वो भी देखिए अच्छे से उबल चुकी है। इस तरीके से चाशनी को उबालना बहुत ज़रूरी है। चाशनी में थोड़ा थोड़ा जैसे कि कचरा रहता है, तो हम इसको छान लेंगे। अच्छे से हम इसको एक बार छान लेते हैं। शुगर में जैसे थोड़ा बहुत कचरा रहता ही है, तो ये देखिए हमने उसको छान लिया है। और फिर से हम इसको वापस उसी पतीले में ऐड करेंगे। अब ये बिल्कुल ही क्लीन हो चुकी है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो दूध डाल के भी उसका मैल अलग कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से ही इसको बनाया है। और अभी इसमें मैंने ये सारी पेस्ट ऐड कर दी है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखेंगे और इसको हम उबलने देंगे। अच्छे से हमें इसको उबालना है चलाते हुए। फ्रेंड्स, जब हम इस तरह से ठंडाई बना रहे हैं ना, तो इसको अच्छे से उबालना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम इसको 25 मिनट तक तो उबालना ही है। और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे करते रहना है और इसको चलाते रहना है। यहाँ पर मैं इसमें केसर ऐड कर देती हूँ। जो केसर मैंने भिगो के रखी थी उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। केसर से ठंडाई का जो फ्लेवर है वो दुगना हो जाता है, बहुत बढ़िया बनती है। केसर या ठंडाई का कलर लाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे अभी यहाँ पर ये जो कलर है थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो अभी थोड़ा कलर मैं और ऐड करूँगी इसमें और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। आप बिना कलर के भी ये ठंडाई बना सकते हो। नेचुरल कलर भी उसका अच्छा ही लगता है।
और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है कम से कम 25 मिनट्स के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स 25 मिनट्स हो गई है, हमारी जो ठंडाई है वो अच्छे से उबल चुकी है। पहले जो यहाँ पर झाग दिख रही थी अभी बिल्कुल भी झाग नहीं दिख रही है। ये झाग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तब तक हमें इसको पकाना होता है और तभी आप इसको अच्छे से एक महीने के लिए स्टोर कर पाएंगे, वरना वो खराब हो जाएगी। फ्रेंड्स ठंडाई को मैंने यहाँ पर ओवरनाइट रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दिया है और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए, बिल्कुल अच्छे से ये ठंडी हो जानी चाहिए, फिर इसको हम एक बोतल में भर के रखेंगे। एकदम साफ बोतल लेनी है और उसमें हमें ये ठंडाई को भरना है। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, एक महीने तक ये खराब नहीं होती है। मैंने जितनी ठंडाई बनाई थी उसमें से इस तरह से दो बोतल ठंडाई की रेडी हुई है। चलिए फ्रेंड्स ठंडाई को कैसे बनाना है वो भी देख लेते हैं। एक ग्लास में यहाँ पर हम 4 टेबलस्पून जितनी ठंडाई ऐड करेंगे, यानी कि 1/4 कप जितनी ठंडाई ऐड करेंगे, और इसी में हम थोड़े से आइस क्यूब्स ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप इस ठंडाई को पानी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। दूसरा मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ठंडाई को, आप मिल्क के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। आप ग्लास में थोड़ी ठंडाई ऐड करें, थोड़े से आइस क्यूब्स ऐड करें और इसके बाद हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है ये मिल्क के साथ, तो इसका जो टेस्ट है ना वो दुगना हो जाता है, बहुत बढ़िया लगती है। तो बना के रखिए ये ठंडाई एक्स्ट्रैक्ट अपने घर में, कभी भी कोई भी मेहमान आए तो इंस्टेंटली आप उसको इस तरीके से सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनती है। फ्रेंड्स एक बार ठंडाई की रेसिपी को हमारे तरीके से ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपको वहाँ पर आंसर देते रहेंगे। आप भी अपने अनुभव हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस ऐसे ही मिलते रहें।